नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के बुलेटिन में एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई की एक टीम मंगलवार को मीसा भारती के पिता और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव से पूछताछ करने उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची। हालांकि घुटने की सर्जरी के बाद लालू प्रसाद की तबीयत ठीक नहीं है और वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। सीबीआई ने इसी मामले में कल सोमवार को लालू प्रसाद की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से भी पूछताछ की थी। बता दें, लालू यादव आरजेडी के संस्थापक हैं। हाल ही में लालू यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का संकल्प दोहराया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तरह लालू भी विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे हैं। लालू यादव से सीबीआई की पूछताछ की टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आरजेडी इसको 2024 से जोड़ रही है। उसका कहना है कि बीजेपी बिहार में हार के डर से ऐसा कर रही है। आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कल ही कहा था कि ये सिलसिला 2024 तक चलता रहेगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से सीबीआई की पूछताछ पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर गुस्सा जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने कहा कि पापा को तंग कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं। ये सब याद रखा जाएगा, समय बलवान होता है, उसमें बड़ी ताकत होती है, ये याद रखना होगा। उन्होंने कहा कि पापा को ये लोग तंग कर रहे हैं, अगर उनके तंग करने के कारण उन्हें जरा भी परेशानी होगी तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। अब बर्दाश्त करने की सीमा जवाब दे रही है। बता दूं, लालू प्रसाद यादव का हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने ही उनको अपनी किडनी दान की थी। इलाज के बाद हाल ही में लालू सिंगापुर से भारत लौटे हैं और अब उनसे सीबीआई पूछताछ शुरू कर चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ब्रिटेन में आरएसएस, बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला जारी है। सोमवार देर शाम लंदन के थिंक टैंक चैथम हाउस में राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस एक फासिस्ट संगठन है और ये मुस्लिम ब्रदरहुड की तर्ज पर बना है। भारतीय सांसद ने कहा कि भारत में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई पूरी बदल गई है और इसका कारण आरएसएस नामक एक संगठन है। ये एक कट्टरपंथी और फासीवादी संगठन है जिसने मूल रूप से लगभग सभी भारतीय संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस बात ने मुझे हिला दिया कि वो हमारे देश के विभिन्न संस्थानों पर कब्जा करने में कितने सफल रहे हैं। प्रेस, न्यायपालिका, संसद और चुनाव आयोग सभी खतरे में हैं और किसी न किसी रूप में नियंत्रित हैं। राहुल ने कहा कि मैं बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता वाले नैरेटिव में विश्वास नहीं करता। कांग्रेस पार्टी एक विचार है। हमने बीजेपी की तुलना में कई वर्षों तक देश पर शासन किया है। कोई भी बीजेपी को हरा नहीं सकता, मीडिया की बनाई हुई कहानी है। बीजेपी हमेशा के लिए सत्ता में नहीं रहने वाली है। नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रमुख कोनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण शिलांग के राजभवन में हुआ। मेघालय के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कोनराड संगमा पूर्व लोकसभा स्पीकर पीए संगमा के बेटे हैं। 2016 में पिता के निधन के बाद कोनराड ने एनपीपी की कमान संभाली थी। उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत 1990 में की थी। कोनराड संगमा को 45 विधायकों का समर्थन मिला है। बीते सप्ताह आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनपीपी को 26 सीटों पर जीत मिली थी और 11 सीटों पर यूडीपी जीती थी। वहीं बीजेपी के खाते में 2 सीटें आई थी। नतीजों के बाद बीजेपी ने एनपीपी को समर्थन देने का ऐलान किया था। मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो संदेश जारी किया और पीएम मोदी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि जिस देश के प्रधानमंत्री लोगों को अच्छी शिक्षा और इलाज देने वालों को जेल में डालें और देश को लूटने वालों का साथ दें, उस देश की स्थिति बेहद चिंताजनक है। वहां आम लोगों के लिए काम करने वाला और उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं बचता। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने शिक्षा का नया मॉडल बनाया जिससे गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। सत्येंद्र जैन ने गली गली मोहल्ला क्लिनिक बनाकर घर घर तक इलाज पहुंचाया, लेकिन पीएम मोदी ने उनको जेल में डलवा दिया है। लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा शख्स है जिसने भारत की जनता का खून पसीने का कमाया, अरबों खरबों लूटा है, बैंकों और LIC का पैसा डुबो दिया है। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी जी ने सिसोदिया और जैन पर झूठे केस लादकर उनको जेल में डाल दिया और देश को लूटने वाले शख्स को गले लगा लिया। केजरीवाल ने कहा कि वो देश की स्थिति को लेकर चिंतित हैं, इसलिए होली पर पूरे दिन देश के लिए ध्यान और पूजा करेंगे। उन्होंने देशवासियों से भी ऐसा करने की अपील की है। दिल्ली के विवादित शराब घोटाले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी ने इस मामले में एक और गिरफ्तारी की है। उसने हैदराबाद के एक व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को गिरफ्तार कर लिया है।
अधिकारियों ने बताया कि जब ये नीति तैयार की जा रही थी और इसे लागू किया जा रहा था, तब पिल्लई ने अन्य आरोपियों के साथ नीति संबंधी बैठकों में साउथ ग्रुप के प्रमुख का प्रतिनिधित्व किया था। बता दें, इस मामले में 11वीं गिरफ्तारी है। पिल्लई को लंबी पूछताछ के बाद सोमवार शाम पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया है। उसे लोकल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां ईडी पूछताछ के लिए उसकी कस्टडी की मांग करेगी। मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला के लिए न्याय की मांग करते हुए उनके माता पिता ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा के बाहर धरना दिया। मीडिया से बातचीत में मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने कहा, मैं आज यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बीते 10 महीने से कुछ ठोस नहीं हुआ। पुलिस और प्रशासन को कार्रवाई के लिए पर्याप्त समय दिया गया। हकीकत यह है कि केस को दबाया जा रहा है, अहम गवाहों को हटाया जा रहा है और कुछ भी हमारे पक्ष में नहीं है, इसलिए हम विधानसभा के बाहर बैठने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि बेटी की हत्या के मुख्य अभियुक्त अभी भी आजाद घूम रहे हैं। मूसेवाला के पिता ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी की। बता दें, सिद्धू मूसेवाला की बीते साल गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर घायल हुए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने फैंस और शुभचिंतकों को शुक्रिया अदा किया है। अमिताभ ने ट्वीट कर अपने स्वास्थ्य के बारे में अपडेट दिया और बताया कि वो आराम कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर प्रशंसकों का धन्यवाद किया और लिखा, उनकी प्रार्थना के साथ उनकी सेहत में सुधार आ रहा है। बता दें, अमिताभ ने अपने ब्लॉग में बताया था कि हैदराबाद में प्रोजेक्ट के फिल्म की शूटिंग के दौरान एक एक्शन सीन करते वक्त वो घायल हो गए, जिसके बाद वो मुंबई लौट आए। चोट उनकी पसली में लगी थी, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने और हिलने डुलने में दर्द हो रहा था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ।